कुछ और भी है ना। हम लोग कूलम्स लॉ में बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स है तो एग्जांपल्स ही, लेकिन थोड़ा मिसलेनियस है ना। क्या हाँ जी, मिसलेनियस में ये बात कर रहा था कि देखिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पहले भी पढ़ा है या इलेवेंथ में पढ़ना होता है, एंड थोड़ा सा मैं इक्विलिब्रियम की एक सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ, देन हम एक आधे एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम देखिए हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल रोटेशनल ये तमाम बातें, खैर अभी तो इतना नहीं बोला जा सकता है, बट मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं क्या कि फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है हाँ जी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। और यही बात हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखने की बात करें, हाँ एनर्जी लिखने की बात करें तो हम जानते हैं कि एनर्जी का रिलेशन होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स या डी आर हम लिख सकते हैं है ना। और ये जो है अगर आप बात करेंगे तो दिस इंप्लाइज कि जो फोर्स है नेगेटिव प्रोपोर्शन में है, हाँ तो इसी चीज को अगर हम स्टेबल में फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हमारा आता है डीएफ बाई डीएक्स जो होना चाहिए, हाँ ये आपका नेगेटिव है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन जीरो, या हम इस चीज को और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें ना। देखिए अगर इस डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, चलिए ठीक है, यहां पर मैं एक बॉल रख देता हूं समझे, ऑफ कोर्स नेट फोर्स जीरो है, अगर आप इधर करेंगे मतलब इधर हम लोग डिस्प्लेस करेंगे हाँ, तो फोर्स इस पे इधर ही लग रहा है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है ना, ये हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे तो ये ऐसा ठीक है, अगर मैं यहां पर बॉल रखता हूं हाँ और इसको मैं इधर डिस्प्लेस करूं है ना, तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग इधर जाएंगे तो ये ठीक है, मतलब क्या अगर x को बढ़ाओगे तो फोर्स ऑपोजिट में आता है ठीक है, मतलब ऐसे करोगे तो ये चीज ऐसा होना चाहिए है ना। नाउ और इसी को अगर इस तरीके से बात करेंगे तो सिंस df by dx जो होगा वो माइनस d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर होगा हाँ जी, एंड फॉर स्टेबल ये स्टेबल है इक्विलिब्रियम और ये हमारा कंडीशन अनस्टेबल का है, अगर आप यहां पर लिखेंगे तो df by dx लेस देन जीरो है, जबकि यहां पर जिस डायरेक्शन में आपका x होगा उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी आता है, फोर्स भी दैट इज df by dx ग्रेटर देन जीरो। नाउ अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को आगे मैं करते जाऊं तो ये यहां से अगर आप लिखेंगे तो ऑफ कोर्स डी स्क्वायर सॉरी यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हाँ, और यहां से अगर हम लोग लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है ना, इसका क्या मतलब होता है अगर आप बात करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इज मिनिमम हाँ जी,
एंड यहां पर अगर आप लिखेंगे दैट इज यू पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट मैक्सिमम, आप देख सकते हो डायग्राम से भी ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एनीवे हम मैथमेटिकल कंडीशन इनको समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये हम समझ सकते हैं, बट इतना भी डिटेल नहीं आएगा। हम तो बस इतना बोल रहे हैं ना कि जब हमारा नेट फोर्स जीरो है आप उसको डिस्टर्ब करिए, डिस्टर्ब अगर राइट में करा है तो फोर्स लेफ्ट में आना चाहिए, हाँ देन स्टेबल हो जाएगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऑपोजिट का रिलेशन होना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए। ओके नाउ मैं इससे रिलेटेड, ठीक है, किसी को ज्यादा दिक्कत होगी आप एक बार होगा तो कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम के बारे में स्टेबल अनस्टेबल क्या लिखें और कैसे लिखें। एनीवे हम तो बोलेंगे कि केवल आप इस बात पे फोकस करिए कि फोर्स नेगेटिव प्रोपोर्शनल में होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू इज फिक्स्ड एट माइनस ए कॉमा जीरो एंड बी ए कॉमा जीरो, राइट। हाँ जी, एंड अनदर चार्ज ऑफ सेम नेचर, ध्यान से है ना, जैसा भी सेम नेचर, अगर प्लस ही मानते, नॉर्मली नहीं देता है तो हम प्लस मानते हुए लिखते हैं, सेम नेचर हैविंग मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन जीरो जीरो एंड इज फ्री, हाँ फ्री। क्या मैं पूछना चाहता हूं, इज दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, हाँ जी, एंड इफ यस हाँ जी टेल मी, या हाँ इफ यस आइदर स्टेबल और क्या अनस्टेबल, फिर से इफ स्टेबल, हाँ देन फाइन द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन, या इसको ये भी पूछा जा सकता है कि और प्रूफ मोशन इज एसएचएम। देखिए एसएचएम का भी आप समझते हैं ऐसा ही आता है कंडीशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ना ऑफ कोर्स। देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इलेवेंथ वाला जो कुछ बेसिक पोर्शन रहता है उसकी जरूरत पड़ती है, मैं थोड़ा थोड़ा तो बताते भी चलूंगा, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है ना, क्या बोला जा रहा है।
सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। देखिए एक एक्सिस दिया है, ठीक है, से ए कॉमा ये माइनस ए, यहां पर चार्ज क्यू है, ओरिजिन है ना 0,0, और यहां पर एक चार्ज अपने को कैपिटल क्यू दिया है, ओके, और बी अपने को दिया है ए कॉमा 0, ठीक है, ये भी चार्ज ऐसा है। नाउ अगर सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, तो आप भी जान रहे हो कि इस पर जो फोर्स लगाएगा ए वाला इधर लगाएगा, हाँ, और बी वाला इधर लगाएगा। तो ना एट ओ की मैं बात करूं, है ना, तो जानते हैं कि एफ ओ पर जो नेट आएगा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए, एफ ए प्लस एफ बी होगा, समझे है, एफ ए प्लस एफ बी। और अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको राइट वाले को प्लस तो लेफ्ट वाले को माइनस, एंड एफ ए और एफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड फिलहाल बराबर आएगा, कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, एंड हेंस 0, सो इक्विलिब्रियम। ये बात तो हो गया कि ये इक्विलिब्रियम है। नाउ बात आता है कि अगर इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें, है ना, डिस्टर्ब करते हैं, सपोज हम लोग चले जाते हैं राइट में, डिस्टर्ब करते हैं, और मैं लिखता हूं को डैस, दिस डिस्टेंस इज एक्स है, तो आप जानते हैं कि यहां पर ऑफ कोर्स ये अप्लाई करेगा एफ ए डैस, और ये अप्लाई करेगा आपका जो भी है इधर इधर, है ना, एफ बी डैस, ठीक है। ना मैं बात करता हूं कि एट ओ डैस, हाँ ओ डैस, तो देखिए ऑफकोर्स एफ ओ हम लोग लिखते हैं, हाँ, एंड नेट लिखेंगे तो एफ ए डैस प्लस में एफ बी डैस वेक्टर लिखना चाहिए ना। चलिए मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, और राइट वाले को प्लस मानते हुए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। ना तो अगर मैं जाऊंगा तो ये ऑफ कोर्स एफ ए डैस माइनस एफ बी डैस, फिर से राइट वाले को प्लस माना और लेफ्ट वाले को क्या, माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो एफ ओ की बात चल रही है, सॉरी ओ डैश, इट्स बेटर ओ डैश, है ना, ओ डैश की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ए वाला कितना आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस जो ए से है वो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दिस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एनीवे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को लिखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन, ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में इसको, ठीक है, आई होप इसमें किसी को इशू होना नहीं चाहिए, है ना, हम सिंप्लीफिकेशन और करते हैं ओडेस का, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दिस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ना देखिए ये तो ऑफकोर्स कैंसिल हो रहा है दोनों टर्म, हाँ जी, और एफ ओ डैश डिस्टर्ब पोजीशन की हम बात करें, माइनस फोर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना क्या बोल रहे हैं कि इफ
इफ एक्स बहुत छोटा है ए से, क्वेश्चन में लिखा था ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, ए स्मॉल ऑसिलेशन ये, तो ऑफ कोर्स हम अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ये ऐसा कंडीशन है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको जीरो लिख सकते हैं, दैट इज एफ ओ डैश बात करा जाएगा के क्यू क्यू माइनस 4a एंड x बाई a का पावर 4, एक तो कैंसिल कर दीजिए 3 बच जाएगा, माइनस k कैपिटल q स्मॉल q 4 और बचा है ठीक है a का पावर क्यूब और इनटू x, इन टोटल मेरा फोर्स ये आ रहा है एंड हेंस एसएचएम समझे, और आप समझते हैं दिस वैल्यू इज माइनस के होता है या एसएचएम वाली इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना, एंड हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ये इतना आने से दिस टर्म इज कांस्टेंट हेंस एसएचएम। नाउ अगर टाइम पीरियड वगैरह की बात करी जाएगी तो उसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, एफ ओ डैश या फोर्स को लिखते हैं, हमको तो पता ही चल गया है, माइनस 4 तो है, k की वैल्यू को चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग कैपिटल q स्मॉल q बाई a का पावर क्यूब इनटू x, आप इस सिस्टम से कंपेयर करो, f इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स, हाँ या हम एक्सेलरेशन को फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं के एक्स, यही ए जो होता है माइनस के बाई एम इनटू एक्स, और इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ओमेगा के वैल्यू को रूट अंडर के बाई एम, या यही होता है हमारा 2π/what। आई होप ये चीज आपको ध्यान होगा या लिख लीजिएगा ना, फोर्स हमारा आ रहा है एक्स के अलावा जो भी है वो हमारा के है ठीक है ना, ध्यान से ये के और ये के अलग अलग है, ऑफ कोर्स दोनों कांस्टेंट है बट अलग अलग है ना, ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नोटेशन में कंफ्यूज ना होइए, अगर मैं लिखूं तो इस दिस होल टर्म को आप एम से डिवाइड करके और उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, दैट इज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप पूरे को m से डिवाइड कर दो, मतलब 4 कैपिटल q स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाय 1 बाय व्हाट m है ना, दिस होल टर्म इज k से हम इनको डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाता है ओमेगा, और आप लिख लीजिए यही बात है हमारा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर लिखे है ना, ऑफ कोर्स ओमेगा स्क्वायर है और ठीक है, तो हमारा ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा को आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओमेगा इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम, एंड दिस वैल्यू इज 2π/what टी एंड टाइम पीरियड वी कैन राइट 2π, हाँ इधर इधर आप कर सकते हैं पाई ए क्यूब एम डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू स्मॉल। ओके देखिए मेन बात तो ये है कि हमें ये अगर ये आ गया ऐसा आ गया एंड हिंस हम लोग ऐसे चल लिख देंगे, इसके बाद की बातें जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट एसएचओ। ओके नाउ देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमने जो पार्टिकल को डिस्प्लेस करा था ना ठीक है ना, एक बार में और होता है तो ड्रॉ कर देता हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमने इस सिचुएशन को लिखा था a कॉमा जीरो, ये से माइनस a कॉमा जीरो और दिस इज आवर ओरिजिन है ना, अगर चार्जेस सेम नेचर का है तो अगर x एक्सिस के अलोंग करेंगे तो ही हमारा ये आएगा,
अगर आप गलती से इधर इसको अगर आप कर दीजिएगा ना ध्यान से, अगर वाई में कर दीजिएगा आप ध्यान, तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स आपका इधर, हाँ। एंड अगर आप लिखोगे तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में आपका नेट फोर्स आ जाएगा इधर। हाँ जी, दैट इज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि दैट इज अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल आएगा। एज जिधर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं नेट फोर्स क्या रहा है उधर ही, जबकि यहां पर उसके क्या रहा है ऑपोजिट, है ना। तो ये भी एक है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और हेंस स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये एसएचएम आ जाएगा। बट अगर आप इसी सिचुएशन में वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टर्ब करेंगे ना तो आपका अनस्टेबल आ जाएगा, बिकॉज जिधर हमने डिस्टर्ब करा है ना, जिधर डिस्टर्ब करा है नेट फोर्स भी हमारा क्या आ रहा है उधर ही, एंड हेंस ये अनस्टेबल आ जाएगा। नाउ सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर इसको ऑपोजिट नेचर का कर देंगे, हाँ, तो वाई एक्सिस में स्टेबल आ जाएगा एंड एक्स एक्सिस में अनस्टेबल आ जाएगा। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, राइट। नाउ